सड़क के मुद्दे को लेकर करीब एक दर्जन गांव के ग्रामीण आगामी होने वाले एमपी और एमएलए चुनाव में वोट के बहिष्कार का मूड बना चुके हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों को उनके गांव में प्रवेश भी करने पर रोक लगाएंगे। यह नजारा है झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों की सांसद और विधायक के खिलाफ जन आक्रोश का, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा विधायक और सांसद का विरोध किया जा रहा है। इस जन आक्रोश में करीब एक दर्जन गांव के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण ढोल बजाते हुए लाउड स्पीकर से नारे लगाते हुए गांव में रैली की शक्ल में घूमते हुए स्थानीय भाजपा के मांडू विधायक जेपी पटेल और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जुलूस के दरमियान ये ग्रामीण नारा लगा रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। इन ग्रामीणों के अनुसार एक दर्जन गांव को जोड़ने वाली करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क की हालात बेहद जर्जर हो चुकी है। इस जर्जर सड़क से करीब एक दर्जन गांव प्रभावित है। हम गांव के ग्रामीणों को आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चे, बूढ़े और बीमार मरीज को काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है। जर्जर सड़क के कारण कई ऑटो वगैरह गांव में नहीं आना चाहते। हम लोग अपने सिर में लादकर साग सब्जी बेचने के लिए हाट बाजार में जा रहे हैं। जर्जर सड़क के कारण शादी विवाह के रिश्ते इस गांव में आने से भी कतराते हैं। सड़क करीब 15 वर्षों से नहीं बना है, जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसलिए हम सब ग्रामीणों ने फैसला किया कि जब तक ये सड़क नहीं बनेगी, आगामी होने वाले एमपी और एमएलए चुनाव में हम सब ग्रामीण वोट का बहिष्कार करेंगे और गांव में जनप्रतिनिधियों के दाखिले पर भी रोक लगा देंगे। दरअसल इस जर्जर सड़क को बनाने को लेकर गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को लिखित आवेदन भी दिया है, जिसके बावजूद अभी तक इस जर्जर सड़क को लेकर किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। वहीं इस मामले में भाजपा के रामगढ़ जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता ने बताया कि इन ग्रामीणों की जर्जर सड़क बनाने की मांग जायज है, मैं भी उनके साथ हूँ। उस समस्या में लोग ग्रामीण लोग सांसद से बात रखे थे, वो सीसीएल माइंस खोलने के चक्कर में वहाँ रोड काटा है, लेकिन फिर भी इन लोग सांसद पास में हमसे बात किए थे, तो हम लोग सांसद को एक तो एप्लीकेशन दीजिए, विधायक एप्लीकेशन देके और लोग पॉजिटिव काम करेंगे। सांसद विधायक क्षेत्र में गतिमान है, गति अपने तरह से तरह तरह काम भी कर रहे हैं, गंभीर से छोटे से लेकर बड़ा ये लोग योजना अपना धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब इस मुद्दा में ग्रामीण लोगों का कहना था, सीधे हम ग्रामीण लोग से ही निवेदन करेंगे, वो डायरेक्ट विधायक या सांसद से एप्लीकेशन देकर रोड कथा से बनाने का प्रयास करें। विधायक और सांसद से इस विषय पर आग्रह करूंगा कि ग्रामीणों के इस जटिल समस्या को आप समाधान करें। सांसद विधायक को इस मामले में आवेदन भी दिया है ग्रामीणों ने। जाहिर है कि किसी भी गांव की विकास की रूपरेखा की पैमाना वहां के मुख्य सड़क से ही मानी जाती है, लेकिन क्या जर्जर सड़क बनाने की मांग को लेकर इन ग्रामीणों का वोट बहिष्कार करने का फैसला कितना जायज है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिला प्रशासन और शासन के द्वारा लगातार मतदाताओं को जागरूक करने की प्रयास की जाती है, इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, ताकि लोग अपने सबसे बड़े अधिकार और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले सके और अपने इस मजबूत अधिकार मतलब अपने वोट करने को वो समझ सके और अपने अधिकार को जानते हुए वो जायज प्रतिनिधि को चुने। और वैसे में वोट के बहिष्कार का मामला अगर सामने आ रहा है और वो भी अपनी जन समस्याओं को लेकर, तो ये गंभीर सवाल है। तो इस मुद्दे पर शासन और प्रशासन दोनों ही लोगों को गंभीर चिंतन मंथन करना चाहिए था कि एक और करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि लोग मताधिकार का अपना प्रयोग करें, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर आती है, ये बेहद ही गंभीर चिंतनीय विषय है। दिक्कत ये है कि रोड जर्जर हो चुका है, या बाजार दूर में लगती है, तो माताएं एवं बूढ़े लोग जो बाजार में लाते हैं सब्जी बेचने के लिए, अगर रोड सही रहता तो लोग पैदल माथा में ढो कर नहीं लाते सर, और उतना दूर से लाते लाते बहुत परेशानी होती है सर, और सही तरीके से अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं लोग, और
अगर रोड रहता तो वैन चढ़ के आते तो सही समय पर घर भी पहुंचते और सही समय पर बाजार भी आते। 20 माइल से केरीबंदा तोहरा होते हुए तोपा तक काफी जर्जर है। यह सड़क आपका प्रखंड डाड़ी का भी लोग आवागमन इसी रूट से करते हैं और 2019 से इतना जर्जर हो गया है कि हम लोग दिक्कत है। यहाँ के छात्र छात्राओं को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और हम लोग सभी जगह हम लोग आवेदन देने का काम किए हैं। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और दर्जा प्राप्त मंत्री को भी दिए हैं। NH 33 को भी हम लोग जाम करेंगे और आने वाला चुनाव जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर अशोका होटल के सामने गली में, लोहा टोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, अ ब्लेस स्कूल इज नर्चरिंग चाइल्डहुड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्सपोजर, अवार्डेड एज बेस्ट प्री स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया। विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच, रांची बिहाइंड फिरायालाल एंड अशोक नगर इन रामगढ़, नियर मिलोनी क्लब बिचोलिया, रामगढ़ कैंट।